चलो जी अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइव सोना फैमिली चैनल। मुझे भी बोलने दो। वेलकम टू लाइव सोना फैमिली चैनल। हमको लगना चाहिए कि अभी तक अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स पे अटकी हुई है। बस चुप। अब जो है हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ लेने सामान वगैरह, तो हम कुछ लेकर आएंगे। सारा सामान लेकर आएंगे तो आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान लेने गए हैं और फिर हम आज क्या बनाने वाले हैं। सो गाइस, कल मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी क्योंकि कल जुम्मा था। मैंने पूरी सारा दिन सफाई वफाई करी थी, जुम्मे से पहले पहले सारा मैंने घर साफ़ किया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी। मैंने सारा ये स्लैब साफ़ किया जो आपको पीछे नज़र आ रहा है साफ़ सुथरा, मैंने अपने डिवाइडर की सफाई करी, मैंने सब आपके साथ शेयर करना था। इतना लंबा चौड़ा व्लॉग बनाना था लेकिन पूरा दिन हमारी लाइट नहीं थी। सुबह 4 बजे हमारी लाइट गई और रात के हमारे 10:30 बजे लाइट आई, जिसकी वजह से मैं आपसे कुछ शेयर ही नहीं कर पाई। सो अब मैंने सोचा कि हम चलो कल के तो जो निकल गया वो निकल गया, तो आज का व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँ। सो आज के व्लॉग में हम ये करने वाले हैं कि आज है सैटरडे और सैटरडे नाइट को हम कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो सैटरडे नाइट को सैटरडे नाइट जैसा बनाने के लिए आज हम बाहर नहीं जाने वाले हैं, आज हम घर में कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ी सी शॉपिंग करने, मैं, ईमान, आइन और अभिया। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज हम क्या लेकर आने वाले हैं और क्या पकाने वाले हैं और क्या खाने वाले हैं। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर दीजिए। मैं मिन्नतें कर करके थक चुकी हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हर वीडियो को लाइक कीजिए। और जैसा कि मैंने ईमान को मैंने आपको बताया था कि मैं तबीयत मेरी बेटी की सही नहीं थी, तो अब माशाल्लाह काफ़ी कदरें बेहतर है, शायद आपने दुआ की हो हमारे लिए। तो सो आप पूछेंगे हम लोग इस तरह मुसलमान क्यों बने हुए हैं, क्योंकि मैं तो मुसलमान बनी रहती हूँ आए दिन ही। आप लोगों को पता है बहुत कम होता है कि मैं मुसलमान ना बनी हुई हूँ, लेकिन ईमान का इसलिए मुसलमान ईमान बन गई है क्योंकि आपको पता है ईमान के साथ मैंने क्या कर दिया है, उसकी वजह से ईमान अब मुसलमान बन के रहा करेंगी। हमेशा स्कार्फ नज़र आएगा आपको ईमान के ऊपर, या तो टोपी या स्कार्फ। और अभिया ने हम दोनों को देखा, देखी मुसलमान बन गई है अभिया। सो हम सब आजकल मुसलमान बन के घूमेंगे। और बस आइन को टोपी पहनाना चाहती हूँ, लेकिन आइन को इतना लड़की बनने का शौक है कि आइन भी चाहते हैं कि मैं स्कार्फ पहन लूँ, और स्कार्फ पहनने मैं नहीं देती। सो अब देखो आइन के सर पर टोपी कब आती है पता नहीं, लेकिन हम तीनों तो भाई मुसलमान हो चुके हैं। मास्क तो एनी टाइम लगा रहता है ईमान को भी और आइन को भी। सो जाते हैं हम बाहर कुछ लेकर आते हैं, बहुत भूख लगी है और बहुत इंटरेस्टिंग सी फीलिंग आ रही है, एक्साइटेड भी बहुत हो रहा है कि कुछ लेकर आएंगे तो सैंडविच बनाएंगे या मैक्रोनी बनाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाएंगे जिससे बच्चे ज़रा खुश हो जाए। सो ये देखें गाइस, मैंने करी अपनी डिवाइडर की सफाई कल, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ भी नहीं कर पाई मैं शेयर आप लोगों से। ये देखिए गाइस, ये है मेरी शादी से पहले की तस्वीर, कितनी दुबली पतली होती थी मैं। सो गाइस, ये है मेरे शादी से पहले की तस्वीर, ऐसी होती थी मैं शादी से पहले और अब मैं बिल्कुल टोटली चेंज। तो मैंने अब इसको डिवाइडर में अपनी लगाया हुआ है तस्वीर को यादों के लिए। तीन मेरी दोस्त हैं और मैं हूँ, और ये हमारी शादी से पहले की तस्वीर है जो हमने खिंचवाई थी एक स्टूडियो में जाके। और अब मेरा गेटअप बिल्कुल चेंज, बहुत मोटी हो गई हूँ। तो मैंने कल आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई, और अफसोस होता रहेगा मुझे बार 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 बार। तो आज का व्लॉग तो इसी बेसिस पे है, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, सैटरडे नाइट स्पेशल। सो उस पर हम, उसकी तैयारी के लिए हम लोग जा रहे हैं, देखें कब तक जाते हैं। आइन और ईमान की और अभिया की तैयारियाँ ख़त्म नहीं हो रही, पता नहीं उनको क्या लग रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, जो उनकी तैयारियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और मुझे इतनी देर हो गई वेट कर करके बोल रही हूँ चल लो कभी टॉयज़ लेके बैठ जाते हैं,
कभी कुछ करके बैठ जाते हैं, कभी हाथों पैरों से खेलने लग जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हो चुके हैं रेडी, हम लोग जा रहे हैं बाहर और उस्मान हमारे साथ नहीं है, हम अकेले ही जा रहे हैं आज आउटिंग पे। और ईमान हैरान है, बाबा नहीं जा रहे, हम अकेले जाएंगे, मम्मा हम तो खो जाएंगे। मदर से छोड़ने जाते तब नहीं खोते, स्कूल छोड़ने जाती है तो नहीं खोते। अरे यहाँ से कर दो भाई, आए हम सब रेडी हैं, चलो भाई चलो बाहर चलो। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं सारा सामान लेकर और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आज बच्चों के सैटरडे नाइट स्पेशल करने के लिए। पहले तो इन लोगों ने चिप्स ले लिए सब ने, और अभिया ने लिया ओरियो बिस्किट भी। अभिया, अभिया का मुंह पता नहीं सीधा हुआ है अभी भी कि नहीं। ओ थैंक गॉड सीधा हो गया मुंह मेरा, बेटा दिखा रहा है। और क्या लाइए अभिया, ओरियो बिस्किट भी दिखाइए। वाओ मेरा बेटा बस अपने लिए यही लाया है। खा लिए मम्मा जी? नहीं नहीं आप खाओ। मैं लाई थोड़ी सी मिर्चें, अदरक लहसुन, टमाटर, हम सब कुछ ही सब सामान ले आई मैं, और बंद गोभी और कैप्सिकम, आलू, सबकी इंग्लिश भी आती है ऐसा नहीं। पोटैटो, कैबेज, कैप्सिकम, टमाटो, चिली, जिंजर, गार्लिक, सबकी इंग्लिश आती है। सॉरी किसी कुछ इंग्लिश में कुछ उर्दू में बोल दिया ऐसी अजीब लगेगा, मैंने कहा शायद कोई समझे कि जिसकी इंग्लिश आती है उसकी इंग्लिश बोल दी, जिसकी नहीं आती है उसकी नहीं बोली। सो ये हम लोग लेकर आए कोरिएंडर, कैरोट, और फिर हम लाए कैचअप, कैचअप लाए और मैगी लाए, और इसमें अनियन भी है भाई। हम ये सब एक्स्ट्रा सामान लेकर आए हैं अपनी जो भी हमने बनाना है उसके लिए, वरना हमारे घर में भी है कैरेट, ये अनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक सब कुछ, लेकिन ये सब हम सामान लेकर आए अपने लिए एक्स्ट्रा, ताकि हमारा जो घर का सामान है उस पर कोई असर ना पड़े। ये हमारा एक्स्ट्रा में सामान है सारा। और ये बड़ी वाली ब्रेड लाए हम, वो थोड़ी दूसरी वाली बजट में नहीं आ रही थी तो हमने सोचा यही वाली ले लेते सैंडविचेस तो बनाने। सो मैक्रोनी और मेयोनीज सब हम सामान लेकर आ गए, तो हमने सोचा ये सब सामान लेके चलते हैं। हमने लेना था अंडे भी, लेकिन हाथ में था सारा सामान हो गया था, और अभिया भी गोद में रहती है तो जिसकी वजह से फिर मैं उठा ही नहीं पा रही थी कुछ भी, तो मैंने सोचा बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में मैं या तो उस्मान से मंगा लूँगी या तो मैं खुद नीचे दोबारा उतर जाऊँगी फिर लेकर आ जाएंगे हम सब। सो अभी तक तो यही कुछ ऐसा बना लेते हैं जिसमें अंडे ना डलें और इसी से सारा काम चल जाए हमारा। सो गाइज, अभी के लिए पार्ट वन सैटरडे नाइट स्पेशल इतना ही, और मैं आपसे बाकी कल शेयर करूँगी इसका पार्ट टू, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैंने सोचा आपसे इसका पार्ट टू मैं कल शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आप मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत 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 बहुत।